Formally welcome and felicitate Govinda sir. Suswagatam Govinda. उसका नजारा दिखाना चाहती हूँ,
उसका नजारा देखो तुम इस विहार। तो मुझे कहा कि मैं 24 लाख गायत्री मंत्र पढ़ा करूं, तो मैं 3 घंटा रोज पूजा प्रार्थना में लगा रहता था। और मेरे स्टूडेंट्स से साथ में जो दोस्त थे वो और साथ में जितने प्राध्यापक थे वो कहा करते थे क्या भगवान आके लिखने वाला है क्या तेरा पेपर। तो बहरहाल मैं कभी फेल भी नहीं हुआ और फ्लॉप भी नहीं हुआ, ये ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत कृपा की। फिर मुझे याद रहने लग गया मेरी हेल्थ, बहुत ज्यादा लोग जो सोचा करते थे जिस तरह से वैसे कभी खराब नहीं हुई। मैं सुंदर लग रहा था लोगों को लग रहा था इस आदमी में इतनी शक्ति कहां से आ गई। तो शक्ति उस वक्त वहीं से मिला करती है जिसकी आप प्रार्थना करते हैं। तो जिंदगी में आप चाहते हैं कि सरस्वती रूप से आपको शक्ति प्राप्त करना है या लक्ष्मी की प्राप्त करना है या महाशक्ति की करना है, तो उस शक्ति की प्रार्थना वो उसकी शुरुआत है। मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी भी यहां पे आके हीरो ने ये इस तरह से कहा होगा, परंतु यही सच है। सच ये है कि जिस वक्त लोग जब समझने लगते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई उस हद में नहीं है, तो आपके साथ जिंदगी में तरह तरह से आपके साथ छलावा चलने लगते हैं। आपको अनपढ़ समझ के, पढ़ा लिखा ना समझ के आपके साथ खेल खेलने लगते हैं। ऐसे में हम लोग के माँ बाप हम लोग के लिए बहुत तकलीफ उठाने के बावजूद हमें पढ़ाई लिखाई के लिए ऐसी जगह भेज देते हैं जहां पे भेजने की उनकी क्षमता भी नहीं होती, ताकत भी नहीं होती, और हम पढ़े लिखने के लिए इधर आ जाते हैं। और वो माँ बाप जो इतनी तकलीफ उठा रहे होते हैं और हमें पढ़ा लिखा रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा बाहर निकले तो पढ़ा लिखा हो। अब पढ़ाई लिखाई में क्या वही पढ़ाई लिखाई है जो किताबों में लिख दी गई है? उससे बहुत ज्यादा है, उससे कई ज्यादा जिंदगी समझ में आए वो पढ़ाई लिखाई महत्वपूर्ण है। पहले तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो क्या पढ़ाई लिखाई करेंगे, और करेंगे तो फिर कहां जाएंगे, किससे काम मांगने के लिए जाएंगे, या ये सोचने लगे कि आप बहुत कमाल है या आप में कोई बहुत ज्यादा कमाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ऐसा सोचना है कि सदैव देवी कृपा जो है और वो जो शक्ति की कृपाएं आपके साथ हुआ करती है उसके वजह से आप जिंदगी में कामयाब हो जाते हो। तो कभी भी गलती से ये नहीं सोचिएगा कि आप जो है वो आपकी वजह से ही है, वरना ये समझ लीजिएगा कि पढ़ाई लिखाई पूरी होनी आपकी अभी होनी है, आपकी हुई नहीं है पूरी। तो मुझे जिंदगी के ऐसी बहुत सारी चीजें जिस वक्त समझ में आई और बहुत सारे अच्छा बुरा सही और जो नहीं भी सही लगा वो सब मैं देखता हुआ जिस वक्त 140-150-160 पिक्चरें मैंने कर ली, तो मुझे ये समझ में आया कि जिंदगी हम जो देखा करते हैं उससे बहुत ज्यादा बियॉन्ड है, उसके बहुत आगे है। हमें बहुत पढ़ाई लिखाई की और आवश्यकता है और ये कभी भी पूरी नहीं होती है। पूरी जिंदगी आप पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं और ये जिंदगी जो है अभिनय प्रदान है। हम लोगों को लगता है कोई अच्छी एक्टिंग कर रहा होता है या थोड़ा सा ड्रामा करता है, नाटक करता है, हम कहते हैं क्या एक्टिंग कर रहा है यार, इतना ड्रामा कर रहा है ये आदमी, और ये क्या, ये लेडी क्या कर रही है ड्रामा, ये क्या समझा रही है। परंतु सच ये है, हमें पता चले या ना चले, आप जिंदगी में, आपके जिंदगी के आप हीरो हैं और माँ बाप आप लोगों से वही उम्मीद करके आपको यहाँ पे भेजे हुए हैं। और यहाँ पे पढ़ लिख के आप आगे निकलोगे, आपकी पत्नी आपके बच्चों के लिए आप हीरो हैं, इस समाज के लिए आप हीरो हैं। और ये सब हीरो आप उस वक्त हो सकते हैं जिस वक्त जिंदगी का नजारा आप वही तरह से ले रहे हैं जिसमें ये जिंदगी अभिनय प्रदान समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है। तो ये जिंदगी जो अभिनय प्रदान है इसमें जिस वक्त आप राइट डिसीजन लेते हैं तो आप एज अ हीरो बाहर निकलते हैं। ये खास तौर पे जो फिल्म जिसका टाइटल आ गया हीरो है, तो मुझे मेरे दोस्त ने पूछा यार गोविंदा तुला काय वाटते, तू 52-53 वर्षी तू आता तुला काय दाखवायचं दोघांना कि म्हणे तू हिरो आहे म्हणे, तुला आता या वेळेला तू हे स्टंट्स करू शकतोस आणि हे डायलॉग्स गाणी हे सगळं तू करू शकतोस, तुला दाखवा दाखवी करायची की काय? देखिये भैया
ये दिखावाबाजी से मैं बाहर निकल आया हूँ, उसी वक्त बाहर निकल आया जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल आया। और ये भी नहीं कहूंगा कि मैं पूर्णतः साधु या धर्मात्मा उस तरफ भी निकल गया, क्यों झूठ कहेगा किसी, मैं एक्टर आदमी हूँ, हीरो आदमी हूँ, जो हूँ वो हूँ। अब खासतौर पर विराट से तो वो सोचना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जिंदगी अभिनय प्रधान है, अभी इसमें एक्ट हो रहा है और ये जो समझ में आया है हम इसी पे चित्रपट निकालेंगे। और ये चित्रपट का टाइटल होगा आगया हीरो। आगया हीरो यंगस्टर्स के लिए है, जिसमें यंगस्टर्स ये समझ पाए जिंदगी के अभिप्राय प्रधान के उस जगह का नजारा ले पाए जिससे जिंदगी में आगे कभी तकलीफ नहीं आए। थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से आप लोगों का इसको ये पिक्चर देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के समझ में आए कि ये नजारा क्या कमाल का है। उस वक्त एज अ हीरो आप बाहर निकलेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या हूँ, रामदेव बाबा जैसा स्पीच नहीं दे सकता हूँ। तो कहेगा देखो फिल्मलाइन का आदमी है, कामदेव है और रामदेव दिखा रहा है। मेरा ऐसा सोचना है कि प्रेम से हर चीज समझते हुए जिस वक्त आप राइट डिसीजन लेते हैं आप ऐसे हीरो बाहर निकलते हैं, और वो हीरो आप में है। वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो इज द थॉट। इस फिल्म की खासियत यह है कि इसमें सारे डायलॉग लगभग और फिल्म के 5 गाने मेरे लिखे हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि मैं जिस वक्त छोटा हुआ करता था, मैंने मेरी मम्मी से पूछा, मम्मी मुझे ऐसा लगता है ये मेरे साथ जो पढ़ लिख रहे हैं ये बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों में बेवकूफ जैसा हूँ, फिर भी ऊपर वाले ने मुझे हीरो बना दिया है, मेरा नाम बहुत हो गया है, इज्जत बहुत हो गई है, लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसके काबिल हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ समझ रहा हूँ, ये लोगों की तो भाषा ही इतनी अच्छी है कि जिस वक्त मैं भाषा पे पुनः विचार करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अरे वाह मैं तो बेवकूफ हूँ, और ये क्या पढ़े लिखे, अरे कमाल है यार इतनी छोटी एज में कैसे से सब समझता है। मम्मी ने मुझसे कहा दुनिया में ये देश काल और परिस्थिति इन चीजों के जो शब्द है नाम है ब्रह्म है, इसे जैसे जैसे आप पढ़ते लिखते जाएंगे जिंदगी में बहुत सी चीजें समझ में आएगी, बहुत सारे लोग आपके दिमाग में जिंदगी में ऐसे विचार डाल देना चाहेंगे जिससे आप आपके घर परिवार से अलग हो जाए, आपके बीवी बच्चों से अलग हो जाए, पर इससे आप बाहर कब निकलेंगे, कब निकलेंगे, जिस वक्त ये अभिनय प्रधान जीवन आप पूर्णतः अच्छे से देख पाएंगे, आपको पता लगेगा आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, और आप क्या काम करें तो आपके लिए वो गलत नहीं होगा। जिंदगी में एज अ हीरो बाहर निकलते हो तो ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले आपकी जिंदगी में मां बाप की कृपा, आपके गुरुओं का आशीर्वाद और आपकी ये सूझबूझ जिसमें कि आपकी चाह है कि आप एज अ हीरो बाहर निकले तो आप हीरो हो जाते हैं। तो मम्मी ने मुझसे कहा गोविंद जिस वक्त ऐसा टाइम आएगा जिस वक्त तुम्हें बहुत सी ऐसी चीजें समझ में आ जाएंगी जो किसी जगह पे तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं गई, जो किसी किताब में नहीं लिखी, मैं कहा ऐसे हो सकता है क्या, किसी किताब में नहीं लिखी गई वो मुझे कैसे पता लगेगा, हो सकता है। अब मैं एमपी हो गया, 14वीं लोकसभा थी, मुझे खास बुजुर्गों ने कहा गोविंदा तुम इसके एमपी हो जाओ, मैं कहा यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। बहरहाल मैं जो दिल से कह रहा था तो क्योंकि मैं दिल से कह रहा था तो वो शायद लोग समझ पा रहे थे, मैं जीत गया, मैं निकल पड़ा। अब मैं वहां पे गया तो और मैं डर गया, तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग तो ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, यहां से निकलेंगे लोग कहेंगे कमाल आदमी है यार क्या पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा ही कभी पूरी नहीं होगी, सारी जिंदगी आप लगे रहिए। मैं सारी जिंदगी बुजुर्गों के साथ उठा बैठा हूं, मुझे तो यही समझ में आया है कि हमारी पढ़ाई लिखाई कभी पूरी होती ही नहीं है, हम लोग लगे रहे सारी जिंदगी, हमें यह सोचना पड़ेगा
बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा कि हम जिंदगी में वाकई कैसे ये लोगों को पढ़ाए लिखा, ये समझ पाए ये जीवन अभिनय प्रदान है, इसमें हम एज अ हीरो बाहर तब निकल सकते हैं जिस वक्त ये समझ पाए हम कि हो क्या रहा है जिंदगी में। तो इसके डायलॉग्स और गाने फिल्म के मेरे लिखे हुए, तो जिस वक्त मैं डायलॉग और गाने डिस्कस कर रहा हूं वो लोगों से, वो लोगों को आदत पड़ी हुई है गोविंदा कॉमेडियन देखने की, वो लोगों को ये समझ में आता है हंसा दिया तो समझ लो गोविंदा है, अब उससे ऊपर कैसे हो सकता है, नहीं 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 क्या है गोविंदा तुम्हें क्या चांगला दिखता है क्या है, बोला भैया आपने ये सोच लिया कि गोविंदा की ये हद है, आपने ये सोच लिया गोविंदा का ये कद है। वैसे तो मेरे घर परिवार के भी बहुत सारे सदस्य इसे कहा करते थे, तू तू हीरो तू यहां से विराट से निकलेगा और वहां जाएगा और वहां पे हीरो हो जाएगा, तुझे ऐसा लगता है? डर जाता था मैं, सोचने लगता था कि यार मैं ये चाह रहा हूं ये होगा क्या कभी जिंदगी में। चाह जो होती है वो आपकी जिंदगी की पहली राह होती है, आप चाह करते हैं तो वहां से राह जो है आपकी शुरुआत हो जाती है। तो पहले तो जिंदगी में आपके चाह चाहिए, वो आपकी जिंदगी की वो शक्ति है जिस शक्ति की वजह से कल्पनाएं जाग जाती है, और इस चाह की राह में मतलब कि इच्छा की देवी साथ हो जाए तो फिर कल्पनाओं की देवी साथ हो जाती है, और जहां पर कल्पना आ जाती है वहां ऐसे बहुत सारे चित्रपट निकलते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से ये पुनः पुनः कहूंगा कृपया ये चित्रपट इसलिए देखें कि चित्रपट के ज्यादा बियॉन्ड कुछ दिखाई देता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पढ़ाई लिखाई अभी तक पूरी नहीं हुई, चल रही लगा हुआ पढ़ जा रहा हूँ और मुझे अब ऐसा लग रहा है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा होगा? अच्छा भाई मुझे किसी को तकलीफ देने का कुछ भी यहाँ पे प्लानिंग नहीं है, तो गोविंदा इतना सोच रहा है तो आपको कितना सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचो प्लीज प्लीज ऐसा नहीं सोचिए। हेल्थ जिसकी अच्छी होती है ना उसे कभी डिप्रेशन नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, वो थॉट से आगे निकलता है और जिंदगी के अभिनय को समझ पाता है तो और ज्यादा आगे निकलता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग आपके जगह पे यहाँ से जिस वक्त निकले तो कामयाब हो, और लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पेक्ट।
शिंदे साहब, शिंदे साहब, यस सर। अच्छा, अच्छा। यस सर, यार रुकिए। अरे भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आप वेलिंग के कॉलेज में आए हैं, उनके इतना अच्छा रिस्पांस मिला आ गया हीरो को। बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं ये खास तौर यंगस्टर्स के लिए है, ये जीवन जो अभिनय प्रदान है उसे समझे, और वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो इज अ थॉट। ये खास तौर पर यंगस्टर्स के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है उनकी ये सोच कि एज अ हीरो वो कैसे बाहर निकले, क्योंकि वो माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, अपने उनके निजी जीवन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एज अ हीरो जो है वो बाहर निकल पाए एज अ हीरो। तो निजी जीवन तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कह सकता हूँ कि समाज में ही वो चाहते हैं कि एज अ हीरो बाहर निकले, तो वो महत्वपूर्ण है कि वो ज़िंदगी अच्छे से समझे और आगे निकले। सो आपके लिए रियल हीरो कौन है? रियल हीरो वो लोग हैं जो माँ बाप के अच्छे बच्चे। वाओ सर, अच्छा, गुड रिस्पांस इज गेटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। या आई एम लाइक रियली एक्साइटेड फॉर द रिलीज ऑफ द फिल्म एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिलीज। एंड देन यू आर कमिंग बैक ऑन स्क्रीन वेरी सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू।